धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करना योगी सरकार का लक्ष्य है, ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से उनकी इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। संभल में कुछ ऐसा ही हुआ, एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार की दीमक, सूर्य कुंड मंदिर को विकसित करने में मानकों की अनदेखी, धर्मशाला भवन में पड़ी लंबी दरार। संभल में पर्यटन का विकास करना सीएम योगी की प्राथमिकता है। सरकार ने जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संभल के सूर्यकुंड मंदिर के साथ मंदिरों पर निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए दिए। सूर्यकुंड तीर्थ को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 75 लाख रुपए दिए। इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजनौर को सौंपी गई, लेकिन भवन निर्माण किस तरीके से हो रहा है उसकी तस्दीक तस्वीर कर रही है। मंदिर परिसर में हाल ही में जो यात्री सेठ धर्मशाला का भवन निर्माण कराया गया है वो कार्य समाप्ति से पहले ही चटक गया है। भवन के बाहर और अंदर की दीवार में बड़ी दरारें पड़ गई। हालांकि नए भवन में लंबी दरारें पड़ते ही आनन फानन में अंदर और बाहरी पर पैचिंग वर्क करा दिया गया। डालेंगे भारी भारी भूम लेंटर के मतलब कहाँ बनाया था? हाँ ये पहले वो हो गया, टांगे कमजोर रह गई, चटक गया पूरा पूरा थोड़ी कोना बाहर दे दिया हल्का सा। ये पहले का पहले क्या था? ये टीन सेट, टीन सेट था। हाँ और उसके ऊपर सच्चाई आपके सामने है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यहाँ काम कर रहे लोग कह रहे हैं। ये हालत तब है जबकि जिले के डीएम समेत कई जिला स्तरीय अधिकारियों ने 15 दिन पहले ही संभल के धार्मिक स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। उसके बावजूद इसके धांधली और अनदेखी की तस्वीर सामने आई तो कई तरह के सवाल निर्माण संस्था के कार्य पर खड़े हो रहे हैं। भवन में पड़ी लंबी दरारें ये बता रही हैं कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का प्रतिशत क्या है। निरीक्षण में ये बात प्रकाश में आई है कि पर्यटन विभाग द्वारा जो धार्मिक तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है उसके अंतर्गत सूरज कुंड पर एक सभा भवन का निर्माण किया जा रहा है। उस सभा भवन के निर्माण की दीवार में एक दरार आई थी, इसके बारे में जेई ने बताया है कि ये जो दरार आई है ये कोई बहुत गंभीर तकनीकी खामी नहीं है, स्लैब आदि में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर जो है इसमें जो चिनाई की गई है उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है जिसकी वजह से दरार आई है, उसको ठीक कराया जा रहा है और जेई से विस्तृत रिपोर्ट इसमें मांगी गई है। जी बिल्कुल, तकनीकी रिपोर्ट इसमें मांग ली गई है, तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उच्च अधिकारियों को उसको अवगत कराया जाएगा। बहरहाल निर्माणदायी संस्था की ओर से हैंडओवर करने से पहले यात्री शेड धर्मशाला के बने हुए नए भवन में पड़ी लंबी दरारें बता रही है कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का प्रतिशत क्या रहा होगा। लेकिन अब इस स्याह हकीकत की तस्वीर के सामने आने के बाद अब देखना होगा निर्माणदायी संस्था और पर्यटन विकास से जुड़े जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अभिनव माथुर, संभल, R9 TV। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिनव जुड़ गए हैं। अभिनव, सीएम का जो डंडा है भ्रष्टाचारियों पर लगातार चल रहा है, लेकिन जो सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है वही भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम समय समय पर जो है भ्रष्टाचार के जो है मामले अधिकारियों के जो सामने आते हैं, लेकिन ये एक बेहद गंभीर मामला जो है सामने आया है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो की उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को जो है कायाकल्प करने का ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत संभल के 5 धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने की तैयारी में योगी सरकार है और उसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है, धनराशि भी आवंटित कर
दी गई है। इसी के तहत संबल में 75 लाख रुपए की लागत से जो कि संबल का सूर्य कुंड मंदिर है उसको विकसित करने का जो कार्य जो किया जा रहा था उसकी बाउंड्री कराई जा रही है, उसी के साथ उसमें यात्री शेड धर्मशाला का भवन का जो निर्माण जो कराया जा रहा है। जब ये भवन बनकर के जो है तैयार हो जा रहा है और उसके बाद अभी हैंडओवर कुछ ही दिनों बाद होने था, लेकिन उससे पहले जो संबल में एक भ्रष्टाचार की एक तस्वीर सामने आई कि हैंडओवर होने से पहले ही उस भवन में दरार आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बताती है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जो है कहीं ना कहीं सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी भ्रष्टाचार की दीमक लगाने से कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं। और इस तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है कि आखिर जो भ्रष्टाचार का जो प्रतिशत है उसकी स्थिति जो है आखिर क्या है। हालांकि अभी तक अगर इस मामले में अगर बात की जाए तो जो हमारे पास एक गोपनीय वीडियो है जो की ऑनलाइन टीवी ने उस मजदूर की अपने कैमरे में जो कैद की है, तो उसने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बताया भी है जो की वहां काम कर रहा था कि इस भवन को जब तैयार किया जा रहा था तो इसको टीन शेड डालने के हिसाब से जो इस भवन की जो बुनियाद को जो तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है इसके ऊपर टीन शेड डालने के बजाय इसके ऊपर जो लेंटर डलवा दिया गया और जिस कारण ये दरार जो आई है। हालांकि अभी अगर इस मामले में अगर बात की जाए तो जो कि यूपी सिट को जो कि जो है संस्था है निर्माणदायी संस्था जिसके द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है उसको लेकर के अभी टेक्निकल रिपोर्ट उससे जो है एसडीएम संबल दीपेंद्र यादव ने मांगी है और उनका कहना यह है एसडीएम दीपेंद्र यादव का कि इस मामले में टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो एसडीएम से ऊपर के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं तो उनके कहीं ना कहीं 15 दिन पहले, क्योंकि जिस तरह से डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने 15 दिन पहले ठीक उसी जगह पर निरीक्षण किया और 15 दिन बाद उसके बाद जो ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं दरार आने की जो सामने आती है, तो एक बेहद गंभीर सवाल है। बिल्कुल बेहद गंभीर सवाल है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।